अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम प्यारे बहन भाइयों के लिए हमेशा यही दुआ होती है, अल्लाह ताला आप सब लोगों को सेहत तंदुरुस्ती वाला लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, सब लोगों पर अपना खास करम फरमाए। तो इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। और अभी टाइम भी तकरीबन 4:30 का है, तो 5 बजने वाले हैं और धूप बिल्कुल तेज़ है सेहन में, जो देख सकते हैं। यहाँ पर नीम का साया है, तो हमने चटाई यहाँ पर चारपाई बिछाई हुई है, जानवर को भी घास हमने डाल दिया है। तो आज हम बना रहे हैं गर्मियों की नई सब्ज़ी और अम्मी भी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो ये आज हम बना रहे हैं गवार, इसे हम बोलते हैं गवार अपनी ज़बान में, ये बनाएंगे। अम्मी ने कहा है कि पहले इसको काट लेते हैं, फिर इसको बॉयल भी करने के लिए हमने छोड़ना है, क्योंकि 1 घंटा तो ये बॉयल होगा, उसके बाद फिर मसाला बनाएंगे और इसको फिर बनाएंगे दोबारा से। तभी इसको यानी हम बारीक बारीक काट लेते हैं। जो नरम नरम हो ना वही हम काटते हैं, बाकी जो सख्त होता ना तो उसे छोड़ देते हैं। हमारी जो भैंस है, तो आप देख सकते हैं भैंस है हमारी, तो ये भी अब बस 2-3 दिन देर है उसके बाद ये भी बच्चा देगी, तो माशाल्लाह से भैंस का भी दूध हो जाएगा, गाय भी दूध देती है। तो दो जानवर हैं, बढ़ते बढ़ते ज़्यादा हो जाएंगे। अब्बू जो हैं मेरे, कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि आपके अब्बू क्या काम करते हैं, तो अब्बू बस ये 2 जानवर हैं इनके काम करते हैं और एक छोटी सी बछड़ी भी है, तो बस ये 3 हैं। इनको घास डालते हैं, पानी पिलाते हैं, गोबर इकट्ठी करते हैं, तो और कोई काम भी नहीं करते, घर में रहते हैं और हम बस घर के ये जो काम हो गए ये करते हैं। और YouTube हमारा चैनल भी है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी उम्मीद है इंशाल्लाह सपोर्ट जारी रखेंगे। तो माशाल्लाह से मैं किचन में पहुँच गई हूँ और अभी पानी भी मैं भर के ले आई हूँ। देखिए मैं पानी कम नहीं करना है गरम, उसके बाद फिर गवार को डालेंगे और गवार बॉईल करेंगे। आग जला लेते हैं। तो ये आधी देखती पानी की मैं ले आई हूँ, धो लेते हैं अब गवार को। आधा हमने काटा है क्योंकि 2-3 लोग खा रहे हैं, फिर आधा हमने रख दिया, ज़्यादा 1 किलो लेकर आते हैं। तो देख सकते हैं पानी जो है वो गर्म हो गया है, गवार डालेंगे। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है शाम के टाइम में, तो मैंने सोचा जानवर को भी पानी पिला लेते हैं। अब तो गए बाहर, पता नहीं वो कब तक आए, फिर गाय का दूध भी निकालना होता है। तो ये देख सकते हैं आप, गवार जो है वो बॉइल हो रहा है और बाकी सामान हमने निकाल लिया है, अभी मसाला बना लेते हैं, उसके बाद फिर गवार को भुनी लगाएंगे। तो आज अब ले आए हैं गर्मियों में, आज हम पहली बार बना रहे हैं, नई सब्ज़ी है और सबको घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद है, सब जो है बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। और इंशाल्लाह मैं अच्छी से अच्छी कोशिश कर रही हूँ कि कोई न्यू रेसिपी हो गई जैसे, तो वो आप लोगों से शेयर करूँ, क्योंकि अक्सर आप लोग कम सकते कि आप कुकिंग की वीडियो भी दिखाया करें।
क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया है मैं किचन में कोई अच्छी कुकिंग की वीडियोस मैंने नहीं बनाई, तो इस वजह से गवार हमारा बॉयल हो गया था, हमने निकाल लिया है और उसी ही देगची में हम अब मसाला भुनेंगे। बाकी कुछ मसाले भी डाल दें कुछ में। आज काफ़ी अच्छे बाद गरम गवार की सब्ज़ी खाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो काफ़ी सारा मसाला हमने बनाए हैं, ज़्यादा प्याज भी ज़्यादा काटे हैं आज, टमाटर भी दो काटे हैं और बाकी मसाले भी हैं, तो अच्छी बनाएंगे, टेस्टी बनाएंगे आज। माशाल्लाह से गवार देख सकते हैं आप, इसको हमने पानी लगा ली है और ये बिल्कुल तैयार हो गया है। दो तीन मिनट बाद उतार लेंगे, अभी टेस्ट कर लेते हैं कैसा बना है। नमक चेक कर लें, वैसे इसके जायके का तो पता है मुझे कि पहले तो हमने कई बार खाया है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है। तो मैंने भी पहले टेस्ट किया, मैंने कहा कि आज गवार जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना गया, क्योंकि काफ़ी सारे मसाले हमने इसमें डाले हैं, तो इस वजह से। और आज की जो आप लोग को रेसिपी दिखाई है गर्मी की नई, तो आप लोग को आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छी वीडियो शेयर करें कुकिंग की भी और भी बाहर के व्लॉग्स। तो मेरे चैनल को भी आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, जो नए देखते हैं वीडियो को लाइक भी किया करें और हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। वीडियो कैसे लगे मैं अपने तमाम प्यारे बहन भाई के लिए दुआ करूंगी, अल्लाह ताला सब लोगों को सेहत तंदुरुस्ती बनाता फरमाए और सब लोगों पर अपना खास करम फरमाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा किसी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।